भारत में हर कर्मचारी के लिए कुछ कानूनी अधिकार है। इन अधिकारों की मदद से कर्मचारी की लिंग, जाति, आयु, धर्म आदि के आधार पर कर्मचारी की भेदभाव से सुरक्षा होती है। ये अधिकार कर्मचारी के हितों के सुरक्षा के लिए होते हैं। वैसे तो कर्मचारियों से जुड़े कई नियम हैं, लेकिन सभी नियम हर एम्प्लॉय पर लागू नहीं होते। लेकिन 8 ऐसे बुनियादी अधिकार हैं जो हर कर्मचारी पर लागू होते हैं। तो कौन से हैं वो ऐसे बुनियादी अधिकार, इसे क्यों आपको जानना जरूरी है, ये अधिकार आपको क्या क्या फायदे देते हैं, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। इसके फायदे जानकर आप भी अचंभित रह जाओगे। में पहला है यौन उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार। महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानून 2013 के तहत सभी एम्प्लॉय के लिए यह अनिवार्य है कि कार्यस्थल पर कर्मचारियों की यौन उत्पीड़न की किसी तरह की स्थिति से रक्षा करें। सभी कार्यालयों, अस्पतालों, संस्थानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों को एक महिला कर्मचारी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायत करती है तो यह कमेटी उसकी अच्छे से जाँच करती है। इसमें दूसरा है बीमा का अधिकार। हर एम्प्लॉय को अधिकार है कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के तहत एम्प्लॉयर की ओर से उसका बीमा कराया जाएगा। रोजगार के दौरान किसी भी तरह की चोट या मिसकैरेज के स्थिति में बीमा का लाभ मिलेगा। इसमें तीसरा है मैटरनिटी बेनिफिट। हर महिला कर्मचारी को 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव का अधिकार है। उनको इस छुट्टी के लिए वेतन नहीं कटेगा। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का मतलब कार्यस्थल पर गर्भवती महिला कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना है। इनमें चौथा है छुट्टियों का अधिकार। हर कर्मचारी के लिए प्रिविजन लीव, कैजुअल लीव, सिक लीव, साथ ही महिला कर्मचारी के लिए मैटरनिटी लीव का अधिकार है। इन छुट्टियों के लिए किसी भी एम्प्लॉय का वेतन नहीं कटेगा। इनमें पांचवा है हड़ताल पर जाने का अधिकार। कर्मचारियों को बगैर नोटिस दिए हड़ताल पर जाने का अधिकार होता है। अगर कर्मचारी पब्लिक यूटिलिटी एम्प्लॉय है तो उसे इंडस्ट्रियल ड्यूज एक्ट 1947 में दिए गए प्रतिबंधों का पालन करना होगा। इस एक्ट के सेक्शन 22(1) के मुताबिक पब्लिक यूटिलिटी एम्प्लॉय को इस तरह के हड़ताल में जाने के लिए 6 हफ्ते पहले नोटिस देना जरूरी होता है। इनमें छठा है काम में निश्चित घंटे। दुकानें और प्रतिष्ठान कानून के तहत रोजाना अधिकतम 9 घंटे काम कराया जा सकता है, तो वही एक हफ्ते में 48 घंटे काम कराया जा सकता है। इस कानून के तहत मैनेजरियल और गैर मैनेजरियल कर्मचारियों के बीच कोई भेदभाव नहीं रखा गया है। इंस्पेक्टर को पहले नोटिस देकर एक हफ्ते में काम करने के घंटे को बढ़ाकर 48 से 54 घंटा किया जा सकता है, लेकिन एक साल में ओवरटाइम 150 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें सातवां है समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार। समान काम के लिए समान अधिकार संवैधानिक अधिकार है। कोई भी एम्प्लॉयर लिंग, जाति या उम्र के हिसाब से भेदभाव नहीं कर सकता है। एक ही जिम्मेदारी निभाने वाले कर्मचारियों को एक बराबर वेतन पाने का भी अधिकार होता है। इसमें आठवां है प्रोविडेंट फंड यानी PF। यह रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है जो हर सैलरीड कर्मचारी को उपलब्ध है। कानून के तहत एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों को बेसिस सैलरी का 12% PF के तौर पर देना होगा। एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई का प्रोविडेंट फंड यानी PF मेंटेन करना होता है। ये थे 8 बड़े अधिकार जो हर कर्मचारी को लागू होते हैं। आई होप ये जानकारी भरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मेरे ऐसे ही बेहतरीन और रोचक वीडियो के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ नए और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद।